ज्ञान से भी विषय युक्तत्वात् ज्ञान के समान अज्ञान का भी विषय जो है उसका निरूप है, इसलिए सब विषय के विषय से ही विशेषणत्वात् सब विषय में विशेष ही विशेषण है, इसलिए ज्ञान से विशेषणत्वात् विषय जो है वो विशेष है और ज्ञान उसका विशेषण है। मतलब तो ज्ञान सामान्य अंश है, वहाँ ज्ञान का कोई सामान्य अंश नहीं है, ये सामान्य अंश अज्ञान रूप है। तत्व ज्ञान सामान्य अंश के बाद ज्ञान रूप का, वहाँ ज्ञान सामान्य का अंश जो है अज्ञान का रूपक नहीं है। तत्व प्रमाणावगत से अज्ञाना विषयत्वात् प्रमाण से अवगत जो अज्ञान है उसका वो विषय नहीं है, पर बुद्धिस्थ विशेष से अशक्य ज्ञानत्वात् दूसरे की बुद्धि में जो उसने कहा है उस विशेष का ज्ञान हो नहीं सकता। कथम विशेषणत्व में चीते न, तो बोले ऐसी स्थिति में विशेषणत्व क्यों हो गया? अज्ञातया साक्षी विद्यत्व विरोधात्, अज्ञात रूप से साक्षी का भेद हो जाएगा, इसलिए कोई विरोध नहीं। आवृत्ति अज्ञान अज्ञाना विरोधस्थ अनु सिद्धत्वात् आवृत जो चित है वह अज्ञान का अवरोध है, अज्ञान का अविरोधी है, ये अविरोध अनुभव से सिद्ध है। पढ़ाई रभी अनभ्यास दशायाम ज्ञाते जरा दो संशयापगमा यदि दिख, दूसरों के द्वारा भी अनभ्यास दशा में ज्ञात विजरादि है उसमें संशय मानते हैं तो सामान्य विशेष एक में ही सामान्य विशेष अंश बन जाते हैं। अनभ्यास दशा का मतलब ये है कि जहाँ हम पहले कभी नहीं गए और हमारी दृष्टि पड़ी जलाशय में, तो हमारे मन में ये संशय हो सकता है कि सचमुच ये जल है कि मृतृष्णा है, तो ये संशय ज्ञात में भी हो जाता है। इसी तरह से ज्ञात में भी सामान्य अंश और विशेषांश होता है। सामान्य अंश तो यह है कि हमने जलाशय देख लिया, लेकिन ये विशेष की वजह है निश्चय यही है कि नहीं है, ये उसका विशेष है। ननु शुक्त्यादो ज्ञाता ज्ञातांशयो इयं शुक्ति इति शब्दद्वयवाच्यत्वेन भेददर्शनान् नैकस्य ज्ञाता ज्ञातत्वम् इत्याशङ्क्य तत्र तन्यप्यंशभेदत्व प्रयोजकः इत्याह। पूर्व पक्षी फिर खड़ा हुआ, उसने कहा शुक्ति आदि में ज्ञात और अज्ञात दो अंश हैं, परंतु यम शुक्ति ही इति शब्द वाच्य यम और शुक्ति ही ये शब्द वाच्य है, वो इसलिए भेद देखा गया है। लेकिन एकस्य ज्ञाता ज्ञातत्वम न, सब जगह एक का ज्ञातत्व और अज्ञातत्व नहीं बन सकता। इत्याशंक तत्व संयप्यंशभेदत्व प्रयोजक, वांशभेद के रहते हुए भी वो प्रयोजक नहीं है। यत्रापि दैवगततो सतीत्व भावो रूपात् प्रतीति विषयादतीत्व रूपे तत्रापबोध घटना प्रतिनांग भाव अनुभाव तस्यातिरिक्त वंशौ पुनरुक्त रूपात् यत्रापि सुख्यादौ प्रतीतात् इदम रूपात् इतरत्र अप्रतीते विशेषांशे दैवाद् भेदो विद्यते तत्रापि तस्य भेदस्य अनुरूप अपनिरुक्त
शब्दवाच्यत्वात् इदं रूपात् अतिरिक्तवंशः सुप्तादिरज्ञातताम् प्रति नांगत्वम्। कहते हैं जहाँ भी सुप्तादिक में प्रतीतात् इदं रूपात् इतरत्र अप्रतीत विशेषांक से, तो इदम रूप से वो प्रतीत हो रही है सुप्तादि, और जो विशेषांक है नील का नील प्रसत्व त्रिकोणत्व उसमें व्यवहित भेदो विद्यते, दैवाद भेदो विद्यते, अगर दैवाद भेद हो जाए तत्पि तस् भेद से अनुरुक्तत्व अपनरुक्त शब्दवाच्यत्वात्, तो वो जो भेद जो है वो अपनरुक्त शब्दवाच्य है। इदम रूपात अतिरिक्त वपुषा, इस रूप से अतिरिक्त शरीर उसका नहीं है, सुप्तादि अज्ञातताम प्रति नांगत्वम्। क्या कहा है यहाँ बोलिए, दैवात का क्या अर्थ है? है कि इयम शुक्ति ही, कि हम जब कहते हैं इयम शुक्ति तो इयम जो है इदम का रूप है, तो एक आकार हो गया इदमाकार और दूसरा है शुक्तित्वाकार, तो दो आकार हो गए दो शब्दों के जो विजित होते हैं। इन दोनों में भेद नहीं है, जब सब जगत भेद दिखाई पड़ता है, अगर भेद होता तो जब शक्तिका में हमको रजत का फान हुआ और जब उस ब्रह्म का अधिष्ठान ज्ञान से नाश हुआ, तो वो अधिष्ठान ज्ञान क्या है? नेदम रजतम, नेदम रजतम में इदम भी आया और रजतम भी आया, तो इदम शब्द वहाँ पर है, नेदम रजतम यम शुक्ति, तो यहाँ पर इदम और शुक्ति दोनों